नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एग्जाम स्टडी चैनल ऑप्शन एक्सपर्ट पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम रोजगार और निर्माण का जो लेटेस्ट अंक है 21 जनवरी से 27 जनवरी 2019 तक का, इसके माध्यम से पिछले सप्ताह की तमाम बड़ी खबरों जो कि मध्य प्रदेश, देश और विदेश, संपूर्ण कवरेज इसमें रहता है, संबंधित होगी। सारी की सारी खबरों पर हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 जनवरी को भारत के 10 सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से 5 केरल में है। भारत के 10 सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में केरल का दबदबा बरकरार है। यह जानकारी विश्व की प्रमुख डिजिटल यात्रा प्लेटफार्म में से एक booking.com वेबसाइट द्वारा दी गई है। वर्ष 2018 के अतिथि समीक्षा पुरस्कार सर्वेक्षण के अनुसार केरल के 5 पर्यटन स्थलों को शीर्ष 10 पर्यटन स्थलों में स्थान मिला है। इनमें वर्कला, कोच्चि, थेक्कडी, अलप्पी और मन्नार शामिल है। बात हुई है केरल की, तो केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पी विजयन और राज्यपाल है पी सदाशिवम। अगली खबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संयुक्त राष्ट्र के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत विकासशील देशों के वैज्ञानिक, शिक्षाविदों और इंजीनियरों को उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देगा। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रशिक्षण में 45 देशों के 90 वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। इसरो ने इन वैज्ञानिकों को 3 चरण में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह प्रशिक्षण बेंगलुरु स्थित UR राव उपग्रह केंद्र में दिया जाएगा। इसरो के चेयरमैन है के सिवान, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसरो का मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में, जहां से इसरो के ज्यादातर उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया की चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में यात्री सेवाओं से आय में 20% की वृद्धि हुई है। हालांकि इस अवधि में उसके यात्रियों की संख्या में महज 4% की ही वृद्धि देखी गई है। एयर इंडिया की यात्रियों से होने वाली आय वर्ष 2018-19 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में बढ़कर 5,538 करोड़ रुपए रही है। 13 जनवरी को चीन और पाकिस्तान सीमा पर भारत ने सड़कें बनाने का निर्णय लिया। भारत बनाएगा 44 सड़कें। केंद्र सरकार चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए 44 सड़कें बनाएगी। 4,000 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण में लगभग 21,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इन सड़कों का निर्माण चीन से सटे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा पाकिस्तान से सटे राजस्थान और पंजाब में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चीन भी भारतीय सीमा से सटे इलाकों में विभिन्न निर्माण परियोजनाएं चला रहा है। अगली खबर है, वैज्ञानिकों ने पौधों के प्रोटीन से ऐसी मेम्ब्रेन बनाई है जो पानी को हाइड्रोजन ईंधन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देता है। यह मेम्ब्रेन अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के वैज्ञानिकों ने बनाया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह मेम्ब्रेन पानी में हाइड्रोजन ईंधन बनाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा चीन के उत्तरी पश्चिमी इलाके में स्थित कोयले की एक खदान में हुए हादसे में लगभग 21 श्रमिकों की मौत हो गई है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार यह दुर्घटना शांची प्रांत में स्थित लिजियागो कोयला खदान में हुई है। तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम है शिन्हुआ, चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। खदान की छत गिरने से 21 श्रमिकों की दबकर मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय खदान में 87 लोग मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, याद रखिएगा, चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। इसके अलावा चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन ही है। यहाँ कोयला खदानों में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। 14 जनवरी को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने घरेलू यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। मुंबई एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों के बोर्डिंग पास पर अब मुहर नहीं लगेगी। इस सुविधा के तहत टर्मिनल 2 से उड़ान भरने वाले घरेलू यात्रियों को अब अपने बोर्डिंग पास पर मुहर नहीं लगवानी पड़ेगी।
यात्री अब सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर लगे ई गेट रीडर पर बोर्डिंग पास का बारकोड या क्यूआर कोड स्कैन कर लाइव पैसेंजर डेटा सेट के जरिए प्रमाणीकरण कर सकते हैं। एयरपोर्ट संचालन करने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि इससे यात्रियों को आसानी भी होगी और सुरक्षा जांच प्रक्रिया भी सुधरेगी। इस तरह की तकनीक उपयोग करने वाला मुंबई एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो याद रखिए, मुंबई एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है जहां पर यात्री सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर लगे ई गेट रीडर पर बोर्डिंग पास का बारकोड या क्यूआर कोड स्कैन कर लाइव पैसेंजर डेटा सेट के जरिए प्रमाणन कर पाएंगे। बात करते हैं ईरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ के पश्चिमी इलाके में एक बोइंग 707 कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में क्रू मेंबर सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। चीन ने एक नया नियम लागू किया है। अब वहाँ पर पटाखे खरीदने से पहले लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। चीन में 5 फरवरी से नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो 5 फरवरी को चीन में नया वर्ष शुरू हो रहा है। आपके पड़ोसियों के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भारत हमारा पड़ोसी देश है। पंद्रह जनवरी को मौसम की सटीक जानकारी के लिए नए मौसम केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया। देश में मौसम की सटीक जानकारी जुटाने के लिए केंद्र सरकार लगभग 500 नए ऑटोमेटिक मौसम केंद्र खोलेगी। तो कितने वेदर स्टेशन केंद्र सरकार खोलने वाली है? 500 नए स्टेशन खोलने वाली है और ये स्टेशन होंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इसमें 100 केंद्र केरल राज्य में स्थापित किए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा 100 केंद्र केरल राज्य में स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को स्थापित करने का काम अप्रैल 2019 में शुरू होगा और वर्ष 2020 तक सभी मौसम केंद्र काम करना शुरू कर देंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार देश में जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए सटीक जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौसम केंद्र खोले जाना जरूरी है। इन केंद्रों को देश के 200 शहरों में स्थापित किया जाएगा। साथ ही ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां पर मौसम की गतिविधियों में भारी बदलाव देखे जाते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में लगभग 675 मौसम केंद्र वर्तमान में कार्यरत है और 500 और खुल जाने के बाद में कुल संख्या 1175 हो जाएगी, लेकिन यह कब होगी? 2020 में। रेलवे अपने प्रत्येक मंडल में एक स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करेगा। इसके लिए रेलवे प्रत्येक मंडल को 20 करोड़ रुपए का काप्स फंड प्रदान करेगा। रेलवे ने इसके लिए 68 मंडलों को अगले 2 महीने के भीतर अपने पसंद के रेलवे स्टेशन की पहचान करने के लिए कहा है, जिसे वे मॉडल स्टेशन के रूप में चुनना चाहते। इन मॉडल स्टेशनों पर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? तो यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करने के साथ साथ यात्रियों के लिए पेयजल, लिफ्ट, पैदल पथ और बेहतर प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। चीन ने श्रीलंका पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसे नए कर्ज का प्रस्ताव दिया है। चीन के एक बड़े बैंक ने श्रीलंका को 30 करोड़ डॉलर, जो कि रुपये में होते हैं लगभग 2100 करोड़ रुपये, का कर्ज देने की पेशकश की है। इस कर्ज को 1 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है। श्रीलंका सरकार चीनी बैंक द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंत में हम भारत के सभी प्रमुख पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे और उनको मैप में भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दें। 16 जनवरी की प्रमुख खबरों की बात करें तो देश में 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3,639 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों का निर्माण केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून 2009 के तहत बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में किया जाएगा। इनमें जम्मू और कश्मीर में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, वहीं अन्य 11 राज्यों में 1-1 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इन विश्वविद्यालयों का निर्माण कार्य 36 महीने के अंदर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सियाचिन जैसे सर्द इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए
ऐसी बुखारी बनाई है जिसके उपयोग से प्रतिवर्ष लगभग 3,650 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही इसके उपयोग से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। यह बुखारी मिट्टी के तेल से चलती है और रूम हीटर की तरह काम करती है। जिन इलाकों में बिजली नहीं है या तापमान शून्य से कई डिग्री कम है, वहाँ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बुखारी में अन्य परंपरागत बुखारी की तुलना में प्रतिदिन 10 लीटर कम ईंधन लगेगा। तो बुखारी का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, गर्मी करने वाला उपकरण एक तरह से होगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया देश के 10 विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब खोलेगा। इन लैबों में लगभग 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह जानकारी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अनंत माहेश्वरी ने दी है। उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा अगले 3 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा डेवलपर्स की स्किल बढ़ाई जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, अनंत माहेश्वरी। 17 जनवरी की प्रमुख खबरों की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कोर्स शुरू करेगा आईआईटी हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद अगले शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में बीटेक कोर्स शुरू करवाने जा रहा है। इस कोर्स में 20 सीटों के लिए प्रवेश जेईई एडवांस के जरिए होगा। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कोर्स कराने वाला आईआईटी हैदराबाद भारत का पहला और विश्व का तीसरा संस्थान बन जाएगा। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यह कोर्स अमेरिका की कार्नेगी मेलान यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी कराया जाता है। तो उल्लेखनीय है कि आईआईटी खड़गपुर ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शॉर्ट टर्म कोर्स करने की घोषणा कर चुका है। केंद्र सरकार ने गैर सरकारी संस्थाओं के विदेशी चंदा लेने के नियमों में ढील दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब विदेशी चंदा लेने के लिए एनजीओ को नीति आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दर्पण पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से हजारों एनजीओ को फायदा होगा। चीन ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में अपनी सेना की पहुंच को बढ़ाने के लिए 13 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाएगा। इसके साथ ही चीन 26,000 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे का भी निर्माण करेगा। यह जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में अपनी रिपोर्ट चाइना मिलिट्री पावर में दी है। पेंटागन ने रिपोर्ट में बताया कि चीन का रेल नेटवर्क लगभग 1,10,000 किलोमीटर तक फैला है। इनमें से 10,000 किलोमीटर तक हाई स्पीड ट्रैक है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के भविष्य में परिवहन के नेटवर्क में सुधारों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में पहुँच तेजी से बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। मिलिट्री पुलिस में 20% पदों पर अब महिलाओं की भर्ती होगी। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए मिलिट्री पुलिस में 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती का फैसला किया है। हमारी जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, इन्होंने बताया कि मिलिट्री पुलिस की कुल 20 टुकड़ियों के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। यह सैन्यकर्मी विभिन्न मामलों की जाँच करने सहित आवश्यकतानुसार सेना की मदद करेगी। उल्लेखनीय है कि अभी सेना में महिलाओं की नियुक्ति कुछ विशेष शाखाओं जैसे मेडिकल, लीगल, शैक्षणिक सिग्नल और इंजीनियरिंग शाखा में की जाती है। विश्व रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। टाइम्स हायर एजुकेशन की इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 49 संस्थानों ने जगह बनाई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17 अधिक है। इस सूची में IIS बंगलुरु ने भारतीय शिक्षण संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस सूची में सबसे ज़्यादा संस्थान चीन के हैं। सूची में चीन की शिनवा यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार ने आयकर फाइलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 4,242 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना पूरी होने के बाद आयकरदाताओं का आयकर रिटर्न एक दिन में ही प्रोसेस हो सकेगा। अभी आयकर रिटर्न का प्रोसेसिंग समय 63 दिन का है। केंद्रीय रेल मंत्री जो है हमारे श्री पीयूष गोयल, इन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटीग्रेटेड ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। एक बार और सुन लीजिए,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटीग्रेटेड ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2 को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का जिम्मा देश की आईटी कंपनी इंफोसिस को दिया गया है। मध्य प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। इस संबंध में निर्देश दिए हैं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत नॉन NABH निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का भी इम्पैनलमेंट होगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना में डिजायरेबिलिटी और फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर भी चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का इम्पैनलमेंट हो सकेगा। ऐसे निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को NABH प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 वर्ष की समय अवधि दी जाएगी। योजना में अभी तक चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी चिकित्सालय महाविद्यालयों को NABH अधिमान्यता प्रमाण पत्र के आधार पर ही इम्पैनलमेंट किया जा रहा है। इससे संबंध में संशोधन परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया कि निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को आयुष्मान भारत योजना में इम्पैनलमेंट कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य इम्पैनल्ड समिति संचालक चिकित्सा शिक्षा के अभिमत और अनुशंसा के आधार पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय को इम्पैनल्ड करने का निर्णय करेगी। संचालक चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से विभाग के अंतर्गत आने वाले और इम्पैनल्ड के लिए इच्छुक नॉन NABH निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी समाचार जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप अभी तक भी इस चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय और खेल खबरों की। इसके लिए बस करिए थोड़ा सा इंतज़ार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी में जी जान से लगे रहिए। एक दिन आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।